अज़ुबिल्ला मेरी शुरुआत जी बिस्मिल्लाह हिर्रहमान हिर्रहीम इस्लामिक स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 1 ए न्यूज़ कैंड्री अपडेटेड एडिशन मैथ्स फॉर क्लास 7। और इसमें बच्चे कैसे के क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना मैम प्लीज़ वो कैलकुलेटर से करवाएं, हमें नहीं पता चल रहा। बहुत आसान है, पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो के दौरान कोई अगर वीडियो आ जाती है, कोई ऐड आ जाता है, तो काइंडली उसको ज़रूर देखा करें, उस पर क्लिक किया करें। ये मुझे सपोर्ट करने का आपके पास जो है ना एक समझ लें टूल है। और दूसरी बात ये कि शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मेरी ऑडियंस इंक्रीज करे। अल्लाह का शुक्र है वैसे तो अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और हर वक्त रहेगी। क्लास 7 के बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 6 को करने का आसान तरीका बताऊंगी। अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने सामने रखिएगा, एक एक स्टेप को आपको बताऊंगी। और फिर आप जब मैं ये वीडियो ख़त्म होगी आप देख के ख़त्म करेंगे, फिर दोबारा से आपने देखनी कागज़ पेंसिल से वो लिखते जाना है कि हम मैम ने कैसे करवाया था। आपने अपने कोड्स रख लेने जो भी आप रख सकते हैं। अब आपको स्टार्ट करने से पहले इन्होंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको खुद खुद ब्रैकेट्स दे दी हैं, अदरवाइज हमें इसमें और इसमें खुद से ब्रैकेट ऐड करनी होगी जब हमें इसको कैलकुलेटर में पुट करना है। उसके बाद डिफरेंट कीज हैं जो दबानी है, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। अब हमें क्या है, एक ब्रैकेट सबसे पहले एंटर करनी है, ठीक है, और वो है ब्रैकेट ये, ठीक है। हमने इसको एंटर कर दिया, ये वाली हमारी लेफ्ट साइड वाली को। उसके बाद उन्होंने हमें एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है, तो हम फ्रैक्शन को भी पुट कर देंगे, और वो बटन है ये वाला फ्रैक्शन का, ठीक है। इसको मैंने पुट किया ये ऊपर, ये देखें यहां से थर्ड वन। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है नजर हमें, ठीक है। तो अब हम पहले ऊपर वाली वैल्यू उसको पुट करेंगे, देन हम नीचे जाएंगे। तो ऊपर वाली पहली वैल्यू जो है वो एक पाए है, और हमारे पास इसमें पाए जो है वो यहाँ लेफ्ट टू राइट सबसे नीचे वाले बटन में थर्ड बटन है, और जिसमें ये पाए बनी हुई है। लेकिन इसको हम डायरेक्टली प्रेस नहीं कर सकते, ये आपको गोल्डन कलर में नजर आ रहा है, तो इससे पहले आपको शिफ्ट दबाना होगा इस गोल्डन कलर को। जितने भी यहाँ आपको साइन गोल्डन कलर में नजर आ रहे हैं उनके लिए आपको पहले शिफ्ट दबाना होगा, उसके बाद आपको उनको पुट करना होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे शिफ्ट और फिर यहाँ दबाएंगे पाए, ठीक है। तो आप देखिए हमारी ये पाए एंटर हो गई है हमारे फोन के उसके कैलकुलेटर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्लस का साइन, सिंपली प्लस के साइन को प्रेस कर देना है। आगे हमारे पास है एक मिक्स्ड नंबर, ठीक है। तो मिक्स्ड नंबर के लिए अगेन हमारे पास यहां फ्रैक्शन रखी हुई है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि मिक्स्ड नंबर बनाने के लिए अगेन इसको शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, और फिर हम इस फ्रैक्शन को दबाएंगे तो हमारे पास मिक्स नंबर की ब्लैंक्स आ गई। अब इसमें हम जो चाहें फिलअप कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला नंबर है वो है 5, ठीक है। ये देखिए मैं विजिबल करती हूँ आपके लिए, 5 है। नेक्स्ट जाने के लिए आपको ये कर्सर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने आगे जाना है, ये वाला कर्सर दबाना है और 1 लिख देना है, ठीक है, 1 आ गया। अब इसी कर्सर को यूज करते हुए आपने ये जो लाइन ब्लिंक करी है इसको नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट में फोकस कर दूं जरा आपके लिए, इस कर्सर को नीचे से प्रेस करेंगे, ठीक है। तो हमारा नंबर नीचे की तरफ चला जाएगा, ये देखिए नीचे आ गया है। और यहां पर हमने जो भी नंबर हमारा वहां लिखा है वो 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 पुट करेंगे। अब आप देख रहे हो यहां पर ब्लिंक करती नजर आ रही है आपको ये, ठीक है। यहां से हमने फिर इस कर्सर को यूज करना है और इसको आगे की तरफ ले जाना है, बल्कि नीचे की तरफ प्रेस करें ताकि हम नीचे वाली जो है वो ऐड कर सके वैल्यूज। नीचे हमारे पास यहां पर रखा हुआ है ओनली -2.1, तो हम यहां लिखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस की प्रेस की, प्रेस कर दी हमने की और लिखा 2 पॉइंट, ये देखिए पॉइंट भी इसके ऊपर मौजूद है, ठीक है, एंड 1। और उसके बाद हमने इस कर्सर को यूज करते हुए आगे ले जाना है ब्लिंक करती हुई इस लाइन को, ठीक है। और इसके बाद हमने इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, यहां से ब्रैकेट क्लोज हो गई, ये देखिए आपकी पूरी जो वैल्यूज हैं पुट हो गई हैं। अब इस वैल्यू के बाहर उन्होंने आपको यहां पर स्केयर दिया हुआ, ये देखें, ठीक है। तो स्केयर के लिए हम ये वाली की प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ये स्केयर आ गया। अब हमने अपनी पूरी जो है ना वैल्यूज पुट कर दी है, क्वेश्चन पूरा डाल दिया है। सिंपली अब हमें क्या करना है, इक्वल के साइन को प्रेस करना है और अपना आंसर जनरेट कर लेना है, विच इज 16.933। हमारे पास आंसर यहां पर है 16.934, तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं हम इस नंबर को जो होता है, ठीक है। तो हम पीछे वाले नंबर से इस 5 से इस 3 को राउंड ऑफ करने के लिए 34 बनाने के लिए इस 5 से एक नंबर ले लेते हैं और इसको 34 बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ नंबर ही पीछे है ना।
तो हम इसको इस तरह राउंड ऑफ करते होते हैं कि डेसिमल के थर्ड प्लेस वाले नंबर को आपने उससे फोर्थ प्लेस वाले नंबर से एक नंबर दे देना लेकर, तो यहां पर फोर बन जाएगा। ये तरीका इसको राउंड ऑफ करने का। बच्चे ये ना हो परेशान हो कि पीछे आंसर 934 है और यहां 933 आ रहा है, तो बच्चों आपने अगले वाले इस नंबर से एक नंबर बोरो करना है, एक डिजिट बोरो करना है और इसको देकर बड़ा बना देना। यह आपने हर दफा ऐसे करना है इन सारे सवालों में, इन सारे क्वेश्चन को आपने ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं और फिर दोबारा से हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास माइनस एक पाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट टू, ठीक है। तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले हम अपने ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ ब्रैकेट को स्टार्ट किया, उसके बाद हम ये अपने डिवाइड भी हम लगा सकते हैं आगे जाके, अलग अलग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एक साथ लेकर चलो, ठीक है। उसके बाद हम माइनस का साइन प्रेस करेंगे क्योंकि इन दोनों को ये पहले माइनस रखा हुआ है, हम यहां पर माइनस दबा देंगे और हमारा ये माइनस आ गया। फिर हम इस फ्रैक्शन को दबाएंगे ताकि हम ऊपर नीचे वैल्यूज को पुट कर सके, तो सिंपली फ्रैक्शन को दबा देना है। अब आप ऊपर की वैल्यूज को पहले कंप्लीट करेंगे फिर नीचे की। ऊपर हमारे पास है पाई, अगेन शिफ्ट दबाएंगे और पाई के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये देखिए पाई बनी हुई है, हमारे पास पाई आ गया ऊपर। और अब इसको स्केयर करने के लिए ये वाला बटन दबा देंगे, पाई स्केयर हमारे पास आ गया। आगे उन्होंने लिखा हुआ है प्लस, सिंपली आपने प्लस के बटन को दबाना है, आपका प्लस डल गया। आगे है हमारे पास स्केयर रूट, ये आपके पास स्केयर रूट रखी हुई है, इसको प्रेस करें एक दफा और इसके अंदर डालना है सिर्फ टू, तो टू की को प्रेस कर दें। ऊपर वाली वैल्यूज हमने पुट कर दी है बच्चों, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यूज के लिए हम इस कर्सर को दबाएंगे नीचे डाउन वाला बटन और हमारी ब्लिंक करने लगी लाइन नीचे वाली साइड पर हमारे डिनोमिनेटर वाले एरिया के अंदर। अब यहां हमने क्या पुट करना है, जो वैल्यू है वो है 7 माइनस क्यूब रूट 4, तो मैं आपको क्यूब रूट डालना भी सिखाऊंगी। अब हम लिखेंगे यहां पर सिंपली 7, ठीक है, माइनस क्यूब रूट के लिए आप क्या करेंगे, ये जो रूट है इसको आप नहीं अभी दबाएंगे, आप इसको क्यूब बनाने के लिए, ये स्क्वायर रूट है, इसको क्यूब रूट बनाने के लिए आप अगेन शिफ्ट से मदद मांगेंगे, एक दफा प्रेस करेंगे और फिर इसको दबाएंगे, तो आपके पास क्या आ गया, देखें क्यूब रूट आ गया। अब आप इसमें क्या पुट करेंगे, वही वैल्यू जो लिखी हुई है विच इज 4, ठीक है। अब इस कर्सर को जो आप ब्लिंक करता यहां देख रहे हैं, इसको यहां लाना जरूरी है ताकि हम ब्रैकेट को क्लोज कर सकें, हमने वैल्यू उसको पुट कर दिया है, ठीक है। तो हमारी ये देखें दो दफा इस राइट कर्सर को दबाने से राइट बटन को हमारा वापस यहां ब्लिंक कर रहा है हमारा पॉइंटर जो है, और अब हम सिंपली इसको क्लोज करेंगे ताकि हमारी ये कंप्लीट हो जाए, जो भी क्वेश्चन था हमने ये वाला इसके अंदर एज इट इज पुट कर दिया है। अब सिंपली इक्वल के साइन को आपने प्रेस करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा विच इज -2.084। और आपने इसको 4 नहीं लिखना क्योंकि आगे 7 लिखा हुआ है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 5 बना दोगे, यानी 7 नजदीक ही, यानी 3 नंबरों के बाद ये 5 बन ही जाएगा, तो हम खुद ही बना देते हैं इसको। तो 7 का 1 यहां देके हम इसको कहेंगे जी ये बन गया है, नियरेस्ट जो है ना राउंड ऑफ में आ गया, तो ये 85 बोलेंगे। तो हमारे पास आंसर भी यही रखा हुआ है -2.085। मैंने आपको बताया कि लास्ट डिजिट को ये वैसे क्या था, कैलकुलेटर में 3 आ रहा था, यहां पर हमने 4 बनाया, यहां 4 आ रहा था हमने 5 बनाया। लास्ट डिजिट को आप खुद राउंड ऑफ करोगे, यहां यकीनन 1 आएगा तो हम उसको 2 बनाएंगे, हम खुद से राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम रिफ्रेश करेंगे अगेन एसी को दबाकर। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, ऊपर आपके पास क्यूब रूट में है और नीचे आपके पास सिंपली रखे हुए हैं, तो मैं अब अगेन इसके लिए आपको क्या दबाना है, सबसे पहले इसको दबाना है, अपनी ब्रैकेट को दबाना है ताकि आप अपने पूरे क्वेश्चन को एक ब्रैकेट में रख सके। एक कैलकुलेटर की लैंग्वेज होती है कि हमें कहां से क्वेश्चन शुरू किया है, कहां से क्लोज किया वो हमें बताना होता है। तो अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और हमारे पास फ्रैक्शन को दबाना है ताकि हम ऊपर नीचे वैल्यूज को पुट कर सके। एक दफा दबा दिया, ऊपर हमारे पास वैल्यू रखी हुई है क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए इस रूट को हम सिंपली प्रेस नहीं कर सकते, हमें शिफ्ट को दबाना है और फिर क्यूब रूट को दबाना है, तो हमारे पास यहाँ क्यूब आएगा, देखिए क्यूब आ गया है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 14 स्क्वायर, 14 लिखें और सिंपली स्क्वायर के बटन को प्रेस कर दें, तो हमारे पास 14 स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस दबाएं, 19 स्क्वायर, 19 को प्रेस करें और स्क्वायर की को दबा दें। मैं नीचे नंबर्स आपको इसलिए नहीं शो करवा रही कि मैं चाह रही हूं ये विजिबल हो, नंबर्स तो हर कोई प्रेस कर लेता है, लेकिन कीज को प्रेस करना है इसलिए मैं कीज आपको विजिबल कर रही हूं। अब हमारा कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा है, हमारी ऊपर की वैल्यूज डल चुकी है, नीचे आना है, हम इस कर्सर के बटन को, हमारा ये समझ लें कि माउस है, इसको यूज करेंगे नीचे लाने के लिए, ठीक है। हमारा अब यहां ब्लिंक कर रहा है, अब यहां वैल्यूज पुट करेंगे, सबसे पहले पाई है, अगेन शिफ्ट को दबाकर पाई को दबाना है, ठीक है। हमारी पाई पुट हो गई,
देन माइनस, और फिर आगे पास हमारे पास है 4.55, ठीक है। तो 4.55 आने के बाद अब यहां आपने ब्रैकेट नहीं दबानी, आपने अगेन कर्सर को यूज करना है, इस कर्सर को जो यहां ब्लिंक करा है उसको यहां ले आना है इस पोजीशन पर, और अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। या आपने पूरा क्वेश्चन डाल दिया, जब आपकी दोनों तरफ ब्रैकेट लग गए आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। सिंपली अब आंसर के लिए हम इक्वल का बटन प्रेस करते होते हैं, हमारे पास आंसर आया -5.841 और साथ ही 9 लिखा हुआ, इट मीन्स कि ये 2 बनने ही वाला है, ये 1 जो है तो हम इसको खुद ही 2 बना देते हैं, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ में लिखेंगे, जो कि हम लिख चुके हैं -5 डेसिमल, ये डेसिमल, ये माइनस नहीं है, ठीक है। 842 बना दिया, यहां क्या हमारे पास था कैलकुलेटर में आंसर 41 था और आगे 9 लिखा हुआ था, तो हम इस 9 से हमें पता लगा कि ये 2 बनने वाला है, ये वाला 1, तो हमने इसको खुद ही 2 बना के लिख दिया। सिंपली ये इसका आंसर है। अब आप यहां देखो ये स्क्वायर रूट दोनों को कवर किए हुए है, ठीक है। तो अब हमें इसको कैसे लेकर चलना है, इट मीन्स कि हमें यहाँ ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, हम इसमें ब्रैकेट से स्टार्ट नहीं करेंगे जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस में कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑलरेडी डाला हुआ है, दोनों को कवर कर रहा है वो हमारे फ्रैक्शन को, तो सिंपली आप स्क्वायर रूट को प्रेस करें और फ्रैक्शन को दबा दें ताकि आप दोनों वैल्यूज को पुट कर सके इस तरह, ठीक है। अब हम पहली वैल्यूज जो हमारे पास ऊपर पड़ी है वो है 4.6 स्क्वायर, तो 4 को प्रेस करें, डेसिमल 6 और स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4.6 स्क्वायर। आगे हमारे पास है प्लस, प्लस के साइन को सिंपली प्रेस करें, ठीक है। मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से विजिबल हो, ये लाइट का थोड़ा इशू आ रहा है इसमें, ठीक है। मैं इसको ऐसे नजदीक रखती हूँ क्योंकि प्लस और नंबर तो सबको डालने आते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है 8.3, सिंपली 8.3 को प्रेस करें और स्क्वायर बनाना ऊपर, तो इस बटन को दबा देंगे, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पर क्यूब भी नजर आ रहा है ना, तो वो क्यूब अगर आपने लेना हो तो आपने शिफ्ट को दबाकर इसको दबाएं तो आपके पास यहाँ क्यूब भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक और तरीका है, लेकिन क्योंकि अभी हमें क्यूब डालना नहीं इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। अब ये कर्सर यहाँ प्रेस आपको ब्लिंक करता नजर आ रहा है, आगे हमने माइनस का साइन डालना है। आगे हमारे पास ब्रैकेट आ गई है मिक्स नंबर के साथ, सिंपली ब्रैकेट को दोबारा से यहाँ से प्रेस करें, ठीक है। मिक्स नंबर डालने के लिए हम इस फ्रैक्शन को नहीं दबाएंगे, हम पहले शिफ्ट दबाएंगे देन फ्रैक्शन को दबाएंगे, तो एक सेकेंड मेरे से गलत दब क्या है, हाँ जी, अब हम एक दफा शिफ्ट को दबाएंगे और फ्रैक्शन को दबाएंगे तो हमारे पास इस तरह मिक्स नंबर की ब्लैंक्स आ जाएंगी जिसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहला नंबर है 6, अब आप देखिए कर्सर आपका यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। इसको आपने ऊपर लेके जाना है तो आपने अपने इस माउस को यूज करना है, ऐसे ऊपर राइट की तरफ दबाया तो ऊपर चला गया, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको नीचे लाना है तो इधर से ही डाउन की को प्रेस करेंगे, नीचे आ गया, 2 लिखेंगे, 7 लेके जाएंगे, अपनी ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करेंगे, ठीक है, और बाहर स्क्वायर डालेंगे सिंपली, ठीक है। ये हमारी ऊपर वाली वैल्यूज सारी पुट हो गई हैं। अब नीचे जाने के लिए कर्सर के लिए हम डाउन की को प्रेस करेंगे, अब हम नीचे डालेंगे वैल्यूज। पहली वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 4.6 और माइनस 8.3, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको यहां से प्रेस करके इसको अपनी वापस रिपोजिशन में ले आना है, और अब हमने पूरी वैल्यूज डालने के बाद इक्वल के साइन को एक दफा प्रेस कर देना है। हमारे पास आंसर किस तरह आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं देते, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल में ले जाने के लिए, डेसिमल में आंसर देने के लिए ये एसडी का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी ये इस तरह वैल्यू निकल आएगी डेसिमल के अंदर, विच इज 7.2877। अगेन ये वाला 7.8 बनने ही वाला है 3 नंबरों के बाद, तो हम इस वाले 7 को कहेंगे तुम 1 अभी दे दो, हम पास तो होने ही वाले हैं ना, हम 8 तो बनने वाले हैं, तो तुम अभी से 1 हमें दे दो, तो ये बन जाएगा 288। तो 7.288 हमारा आंसर है पीछे भी, और मैंने यहां भी आपके लिए लिख कर रखा हुआ है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, होपफुली मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के अच्छे तरीके से स्टेप बाय वाइज, तो आप इसको बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कीज को चलाना आ जाएगा। मैं खूब ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।